हाय फ्रेंड्स, आसुस होम किचन में आपका स्वागत है। बहुत बार आपने ये आवाज़ सुनी होगी, पर सोचते होंगे कि आसुस होम किचन, आशु का किचन कैसा है, आशु कैसी है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज हुई हूँ फेस टू फेस। मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी जर्नी की, मैं क्यों अपना ये चैनल ओपन किया, मेरी हैबिट से कुकिंग में क्यों आई, तो बताना चाहूँगी आपको डिटेल में। तो थोड़ा सा समय लगेगा, तो एंड तक बने रहिए ताकि आप मुझे जान सकें, मेरी कुकिंग हैबिट्स को जान सकें कि ये कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। बचपन से मुझे कुकिंग का बहुत शौक था। जब भी मेरे घर में टीवी चलती थी तो मुझे बस कुकिंग चैनल ही देखना होता था। मैं, मेरे पापा, हम लोगों को कुकिंग का बहुत शौक है। तो मेरा आइडल है वो है संजीव कपूर। मैं उनके कुकिंग चैनल को तो इतनी बार देखती थी, अगर उनकी रेसिपी भी बार बार रिपीट होती थी तो बस मुझे देखनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना बाद में इसी को अपना प्रोफेशन बनाया जाए। हालांकि मैं कोई एक प्रोफेशन कोर्स नहीं कर पाई, बट हाँ, कुकिंग में मैंने अपना एफर्ट हमेशा हमेशा 100% दिया, जिसकी वजह से आज देखिए आप लोगों का इतना प्यार, इतना विश्वास और इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है कि आज आशुस होम किचन अपने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ अपने ट्रेडिशनल लुक्स में भी दी हैं, तो उसका यही रीज़न है कि मैं ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को भी आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। जिसका मेन कारण है कि गांव में जो रेसिपीज बनती है उसके स्वाद के सभी दीवाने होते हैं, तो क्या कभी उसको घर पे ट्राई नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो मैंने बस एक शुरुआत की है, आप भी अपने घर में इस चीज़ को जरूर ट्राई करें। थोड़ी थोड़ी अभी रेसिपीज में लेके आई हूँ, बाद में मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करूंगी। हो सकता है कि आप लोगों को और अच्छा सपोर्ट मिले, यूट्यूब पर मैं और ज़्यादा फेमस हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि लोग मुझे अपनी रेसिपीज़ देने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिनको सीक्रेट लुक दिया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि अपना एक ऐसा फेस बना लूं कि वो लोग मुझे पहचाने और मेरे से अच्छे से बात करके अपनी रेसिपी ओपन करें और मुझे बताएं सारे सीक्रेट, फिर मैं उसको आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी ओनली एट आशुस होम किचन। तो आप मेरे रेसिपीज के दीवाने हैं, तो मैं भी आपके लिए कोशिश करती हूँ कि अच्छी अच्छी झटपट बनने वाली रेसिपीज और बहुत सारी इंटरेस्टिंग, बच्चों के लिए मैं बहुत सारी रेसिपीज लेके आने वाली हूँ समर वेकेशन के लिए। बच्चों को आप खिलाते रहें, अच्छा अच्छा बच्चे खुश रहें। बाहर बहुत धूप होती है, उनको एनर्जी ड्रिंक चाहिए होता है, उनका एक टाइम पीरियड हो, तो वो क्या करते हैं, वो खेलने से ज़्यादा घर में खाने का बहुत दीवाने हो जाते हैं। तो मम्मी क्या करेंगी, उनके लिए अच्छा अच्छा बनाएंगी, और वो कहाँ से सीखेंगी, ओनली एट आशुस होम किचन से। तो आप इसी तरीके से बने रहें मेरे साथ, मैं आप लेके आऊँगी बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस और वो भी बच्चों की पसंद की रेसिपीज। बस जुड़े रहें मेरे से, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक तो आप करते ही हैं, जिसके लिए थैंक्स आपका, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ओनली एट आशुस होम किचन। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।